गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप एक्सरसाइज 5.2 करनी है, पर उस तो करन तो पहला ना एक छोटा जा क्वेश्चन देखो। डिफरेंशिएट रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप डिफरेंशिएशन करनी है रूट एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हुण रूट एक्स नूं आपां लिख सकते एक्स की पावर ऑफ, रूट एक्स नूं लिख सकते एक्स की पावर ऑफ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाफ अगे आ जाएगा। फार्मूला की होंगे पावर अगे आती है, उपर एक पावर घट जाती है, हाफ विचो वन हो जाएगा माइनस, हाफ विचो वन हो जाएगा माइनस। एलसीएम लवेंगे पावर च, एक्स की पावर आ जाएगा माइनस हाफ, एक्स की पावर आ जाएगा माइनस हाफ। हूँ जे पावर उपर नैगेटिव च हो न्यूमीरेटर च, डिनोमीनेटर च जाके पॉजिटिव हो जाती है, डिनोमीनेटर च जाके हो जाती पॉजिटिव, एक्स की पावर हाफ बन जाएगा। एक्स की पावर हाफ का मतलब होंगे अंडर रूट एक्स, वो डिनोमीनेटर च आ जाएगा। एक्स की पावर हाफ का मतलब होंगे अंडर रूट एक्स। एक बेसिक जहा क्वेश्चन ही जो हर क्वेश्चन च यूज होना, अगे किन्ने क्वेश्चन च यूज होना है, तो करके कराया। इन दोबारा करना अपने आप, फिर अगले सम पता चलेंगे। हूँ आप स्टार्ट कर लगे एक्सरसाइज 5.2। देखो जरा फर्स्ट सम देखो जरा, साइन एक्स स्केयर प्लस 5। क्वेश्चन अगर डिफरेंशिएट दी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन 1 to 8 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 to 8 का मतलब 1 to 8 क्वेश्चन की गल की हुई है। सब तो पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्केयर प्लस 5। अब आप 8 क्वेश्चन करने हैं। साइन एक्स स्केयर प्लस 5 की आप करनी डिफरेंशिएशन, इतने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इतने आप लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए साइन यू बन जाना है, जे एंगल एक्स तो अलावा कुछ होर लगा ना उन्हें बन जाना साइन यू। तो साइन यू का आप फार्मूला की किया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन यू, साइन यू की डिफरेंशिएशन का फार्मूला है कोस यू, यू की दोबारा डिफरेंशिएशन मतलब एंगल की दोबारा डिफरेंशिएशन, डी यू बाय डी एक्स दोबारा। फार्मूले के अकॉर्डिंग इतने आप लिखना है साइन की डिफरेंशिएशन करनी है, साइन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कोस यू, एंगल उदा तो उदा ही लिख देना। तो एंगल की डिफरेंशिएशन करनी दोबारा, एंगल की डिफरेंशिएशन करनी दोबारा, कोज एक्स स्केयर प्लस 5 नूं कुछ नहीं करना, कोज एक्स स्केयर प्लस 5 नूं कुछ नहीं करना, एक्स स्केयर की डिफरेंशिएशन 2 अगे आ जाएगा, एक्स ही एक बार घट जाएगी 2x, 2 अगे आ जाएगा, एक्स एक बार घट जाएगी 2x। 5 कला कॉन्सटेंट वो हो जाएगी 0, 5 कला पिया कॉन्सटेंट है ना वो डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0। हुण आ कोस का एंगल हैगा, इहदे नाल 2x मल्टीप्लाई ना कर दिओ, 2x आप अगे शिफ्ट कर लाँगे, 2x आप अगे शिफ्ट कर लाँगे, कोज एक्स स्केयर प्लस 5 आ जाएगा, 2x आ जाएगा कोज एक्स स्केयर प्लस 5 आ जाएगा। ये फस्ट क्वेश्चन हैगा जी। फस्ट क्वेश्चन तो बाद जिहड़े जिहड़े सौखे पहला वो करते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन करन लगे आपां। थर्ड क्वेश्चन च इहदी डिफरेंशिएशन करन नूं कहा साइन ए एक्स प्लस बी। आपां लिखना है सेम फार्मूला लगेगा साइन यू वाला, साइन यू दी कोस यू, डी यू बाय डी एक्स। इत्थे लिखना डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन यू दी डिफरेंशिएशन हो जाएगी कोज ए एक्स प्लस बी कोस यू, एंगल दी डिफरेंशिएशन दोबारा, एंगल दी डिफरेंशिएशन दोबारा, कोज ए एक्स प्लस बी नूं कुछ नहीं करना, आ जरूर लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोज ए एक्स प्लस बी नूं कुछ नहीं करना। ए एक्स की डिफरेंशिएशन की होगी, ए बाहर आ जाएगा, लास्ट लैक्चर च दस्या ही एक्स की डिफरेंशिएशन होनी 1, कहीं लोड़ ही नहीं, ए बाहर आ जाएगा, एक्स की डिफरेंशिएशन होनी 1, मल्टीप्लाई से पैना ए, प्लस बी कला कॉन्सटेंट वो 0 हो जाएगी, प्लस बी कला कॉन्सटेंट वो 0 हो जाएगी, ए अगे सब तो अगे लिख देना एंगल दे नाल ना मल्टीप्लाई कर दियो, तुहाडा आंसर आएगा ए कोज ए एक्स प्लस बी, ए तुहाडा आंसर आएगा ए कोज ए एक्स प्लस बी। बहुत सौखे सम है। देखो यार अगे सैकेंड क्वेश्चन, सैकेंड क्वेश्चन च की दिता है कोज ऑफ साइन एक्स,
कोस का एंगल है साइन एक्स, साइन एक्स नू यू मनांगे, ये साइन एक्स नू यू मनांगे, लिखना की आप कोस यू का फार्मूला लगेगा, फार्मूला कड़ा लगना, पहले लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोस यू का फार्मूला की बनेगा, कोस यू अगे कोस लगाना तो आ एंगल यू मान लेना आप, माइनस साइन यू एंगल की डिफरेंशिएशन, दोबारा इस एंगल है साइन एक्स, यानी कि फार्मूला माइनस साइन यू बनेगा ना, तो डी यू बाय डी एक्स है ये बनेगा, देखो जरा इतने आना है माइनस साइन यू, यू की जगह आ रहा साइन एक्स, यू की जगह आ रहा साइन एक्स, एंगल की डिफरेंशिएशन दोबारा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखना, दोबारा हले आप की नहीं, दोबारा डी बाय डी एक्स पाया, हले आप करनी है डिफरेंशिएशन, वर्डिंग ध्यान लिखनी है सारे बच्चों ने, माइनस साइन ऑफ, सॉरी इतना साइन एक्स आएगा, यू नहीं पाना साइन एक्स है, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, तो आ साइन एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन करा कोज एक्स आ जाएगा, आ साइन एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन करा कोज एक्स आ जाएगा, इनू अगे करके लिख लेना आप, यानी कि लिखना कि माइनस कोज एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, माइनस कोज एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, ये अपना सामू बनेगा, क्वेश्चन नंबर है सी अपने कोल सेकंड, हूँ अगे क्वेश्चन नंबर करन लगे आप एट, जेडे पहले ईजी है पहले आप कर लगे हाँ, क्वेश्चन नंबर एट की है देखो जरा, कोज ऑफ रूट एक्स, कोज ऑफ रूट एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोज यू सेम फार्मूला लगना वाला, कोज यू का फार्मूला की होंगे माइनस साइन यू डी यू बाय डी एक्स, सेम फार्मूला, रूट एक्स यू है इतने, फार्मूला की बनेगा माइनस साइन यू, यू की दोबारा डिफरेंशिएशन, एक्स तो अलावा कोई भी टर्म आ गई यू मानना, एक्स तो अलावा कोई भी टर्म आ गई यू मानना, रूट एक्स मान लेना एक्स ई पावर हाफ, अज आंदा सार दस्या मैं रूट एक्स की मान लेना एक्स ई पावर हाफ, हाफ अगे आ जाएगा डिफरेंशिएशन कर लगे, उपर एक पावर घट जाएगी, घट के की हो जाएगी माइनस हाफ, हाफ अगे आ जाएगा ना उपर हाफ विचों वन माइनस करा माइनस हाफ आएगा, पावर नैगेटिव च डिनोमीनेटर च जाके पॉजिटिव हो जाएगी, पावर नैगेटिव या डिनोमीनेटर से जाके पॉजिटिव हो जाएगी, इस तो अगे करना आप वन बाय टू अगे करके लिख लो साइन रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ बन जाएगा, पावर न्यूमीनेटर से नैगेटिव है ना डिनोमीनेटर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स की पावर हाफ नू लिख लेना आप अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ नू आप लिख लेना अंडर रूट एक्स, बड़े आराम ना पता लग जाएगा हाफ का मतलब रूट एक्स ही होंगे ना, ऐदा सम बनना है, इस करके पहले आंदा सर रूट वाला सम कराया सी ता जो पता लग जाए तुहानू, ईजी ईजी क्वेश्चन करवाउंदे पहला, अगला क्वेश्चन कराने लगे तुहानू सैवंथ, सैवंथ क्वेश्चन देखो जरा, डिफरेंशिएशन करन नू क्या है टू अंडर रूट कोट एक्स स्केयर, टू अंडर रूट कोट एक्स स्केयर, ए भी यू की पावर एन बनेगा, यानी कि हले मैं डिफरेंशिएशन कर नहीं लगा, हले मोडरेशन कर लगा, इनू लिख लो कोट एक्स स्केयर की पावर हाफ, कोट एक्स स्केयर की पावर हाफ, यू की पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, इतने लिखांगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनू यू मनना यू की पावर एन, फार्मूला की है एन अगे आएगा यू की एक पावर घटेगी, यू की डिफरेंशिएशन दोबारा, फार्मूला की है एन अगे आएगा एक पावर घटेगी यू की डिफरेंशिएशन दोबारा, यू की जगह आंदा पाया कोट एक्स स्केयर, देखो किदा फार्मूला अपलाई होना आ टू तो ऐदा ही रहना मल्टीप्लाई वाला, पावर अगे आनी है हाफ अगे आ गया,
ऊपर एक पावर घट जानी है, कोट एक्स स्क्वायर दी हाफ विचो वन की हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू, आ यू दी का लगा है कोट एक्स स्क्वायर, एदी डिफरेंशिएशन होनी दोबारा, एदी डिफरेंशिएशन होनी दोबारा, टू ना टू कैंसल आउट हो जाएगा, कोट एक्स स्क्वायर हाफ माइनस वन पावर हो जाएगी माइनस हाफ, हाफ विचो वन माइनस करांगे पावर हो जाएगी माइनस हाफ, कोट एक्स स्क्वायर एक कोट यू बन जाएगा, इतने के फार्मूला लगेगा देखो जरा, कोट यू बन जाएगा, फार्मूला लगेगा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर यू, यू की डिफरेंशिएशन दोबारा, माइनस कोसीकेंट स्क्वायर यू, यू की डिफरेंशिएशन दोबारा, एक कोट यू बनता पाया माइनस कोसीकेंट स्क्वायर यू है ना एक्स स्क्वायर, ए यू है तुहाडा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर यू, यू दी आ रहा हूँ एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन दोबारा, जदों तक एंड ते एंगल ना खत्म हो जाए उदों तक डिफरेंशिएशन करी जानी, यानी कि पावर जो नैगेटिव या डिनोमीनेटर च आ गए वन अपॉन कोट एक्स स्क्वायर की पावर हाफ हो जाएगी, माइनस हाफ पावर है ना डिनोमीनेटर च आ गए हो जाएगी प्लस हाफ, डिनोमीनेटर च आ गए प्लस हाफ हो जाएगी, माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इदा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी टू एक्स, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी टू एक्स, टू एक्स अगे आ जाएगा, माइनस भी अगे चल जाएगा ना, बनेगा की तुहाडा माइनस टू एक्स कोसीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इत्थे हैगा हाफ कोट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा ना, हाफ का मतलब अंडर रूट होंदा है, हाफ का मतलब अंडर रूट होंदा है, पता तुहानू सारयां नू बड़े आराम दे नाल पता चल जाएगा, एक बार दोबारा वीडियो सुन लियो जे नहीं पता लगेगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा, फिफ्थ क्वेश्चन की दिता है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोज सी एक्स प्लस डी, ए फिफ्थ क्वेश्चन है। हुण एदी जदों डिफरेंशिएशन करांगे यू बाय वी का फार्मूला लगेगा, इनू यू मान लेना, इनू मान लेना वी, क्योंकि न्यूमीरेटर अपॉन डिनोमीनेटर है, फार्मूला की है यू बाय वी का फार्मूला, डिवाइड रूल वाला फार्मूला, लास्ट फार्मूला जो कल कराए ही, डिफरेंशिएशन ऑफ यू बाय वी थले आना वी का स्केयर, वी कॉन्सटेंट यू की डिफरेंशिएशन माइनस यू कॉन्सटेंट वी की डिफरेंशिएशन, माइनस यू कॉन्सटेंट वी की डिफरेंशिएशन, ए यू बाय वी का फार्मूला, यही फार्मूला अप्लाई करना, उपर आइटम यू मना थले आइटम मना वी, लिखना आपां डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, थले आना वी का स्केयर, वी है कोज सी एक्स प्लस डी, वी का स्केयर, वी कॉन्सटेंट, वी कॉन्सटेंट, यू की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यू की फार्मूला ही कहता अपना वी कॉन्सटेंट यू की डिफरेंशिएशन माइनस यू कॉन्सटेंट वी की डिफरेंशिएशन, उपर आइटम यू मनिया, हले मैं डिफरेंशिएशन की नहीं, डी बाय डी एक्स लाया, माइनस फार्मूले जगह यू कॉन्सटेंट वी की डिफरेंशिएशन, यू है साइन ए एक्स प्लस वी, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी यू कॉन्सटेंट वी दी डिफरेंशिएशन कोज सी एक्स प्लस डी,
ध्यान ना वेखना यार, हूँ आ की लगा है कोस सी एक्स प्लस डी, ये मैं इदा ही लिख देना कोस सी एक्स प्लस डी, इदा ही लिख देना। साइन ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन, साइन ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन कोस ए एक्स प्लस बी, साइन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कोस ए एक्स प्लस बी, एंगल की डिफरेंशिएशन दोबारा भी होनी है क्योंकि यह साइन यू बनता पा ना, यह साइन यू बनता पा, एक्स तो अलावा कुछ भी आ गया यू मानना है, साइन यू की होगी कोस यू, जो एंगल की दोबारा करा हूँ शॉर्टकट मार देना ए एक्स प्लस बी की ए ही होनी है क्योंकि ए एक्स की आई नहीं ए, ए बार आई नहीं एक्स की वन हो नहीं है, बी कला कॉन्सटेंट पाया जीरो ही नहीं है, बी का कला कॉन्सटेंट पाया जीरो ही नहीं है, इधरों कला ए बचना है। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इदा इदा ही लिख देना है, इधर देखो यदि डिफरेंशिएशन करा इतने मैं ब्रैकेट क्यों पाई, कोस की डिफरेंशिएशन होती माइनस साइन, बच्चे जो ब्रैकेट नहीं ना पाओगे सम गलत हो जाएगा, ब्रैकेट पानी है क्योंकि ये आ चीज़ होंगी मल्टीप्लाई ब्रैकेट पानी है, कोस यू बनता पै कोस यू की होनी है माइनस साइन यू, यू है सी एक्स प्लस डी, तो एंगल की होनी दोबारा सी एक्स प्लस डी की दोबारा करा सी हो जाएगी, सी एक्स की हो जानी सी, तो डी की हो जानी जीरो, एंगल की दोबारा करा सी आ जानी है, अपोन डिनोमीनेटर देखो जे होल स्केयर होए स्केयर विचकार लग जाता है, जे होल स्केयर होए स्केयर विचकार लग जाता है, देखो जरा कि करना है, हूँ ए इतने लगा है ए नू अगे करके लिख लो ए कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी, अगे देखो आ टर्म मल्टीप्लाई जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ा सी अंडर तो लगा विचकार जी आ जाएगा इतने आ जाएगा प्लस तो बाद आ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सी साइन सी एक्स प्लस डी अपोन कोस स्केयर सी एक्स प्लस डी अपोन कोस स्केयर सी एक्स प्लस डी, एदा आंसर है। जे बुक चो वेखोगे ना उन्होंने स्प्लिटिंग करके इनू दोवां थले स्प्लिट करके ट्रिग्नोमैट्री के फार्मूले अप्लाई करके लिखा होया है, तो जे वो अपलाई करके लिखना होगा लिख दो, जिथे भी छड़ दोगे तो पूरे नंबर मिलने, कोई नंबर नहीं कटाया जाएगा, मतलब ठीक है तो साहब। अगे क्वेश्चन नंबर करन लगे आप फोर्थ, क्वेश्चन नंबर करन लगे फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन की है देखो जरा, सीकेंट ऑफ टैन रूट एक्स, यदि डिफरेंशिएशन करनी है आप, सीकेंट ऑफ टैन रूट एक्स, इतने लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, इतने फार्मूला लगना सीकेंड यू का, इतने फार्मूला लगना सीकेंड यू का, सीकेंड यू का की फार्मूला होंगे, सीकेंड यू, सीकेंड यू टैन यू डी यू बाय डी एक्स, ए फार्मूला होंगे सीकेंड यू टैन यू डी यू बाय डी एक्स, ए फार्मूला अप्लाई करना आ पूरी टर्म यू बन जाएगी, आ पूरी टर्म यू आला फार्मूला अप्लाई करना जरा साइड पर लिखा है, हूँ यू की जगह है टैन रूट एक्स, आ अपना यू है फार्मूला देखो सीकेंड यू आप लिखा इतने सीकेंड यू, यू की जगह, यू की जगह है टैन रूट एक्स, सीकेंड यू टैन रूट एक्स, फिर फार्मूले जगह टैन यू, इतने आप लिखा टैन यू की जगह लिखा टैन रूट एक्स, बाद की लिखा है यू की डिफरेंशिएशन दोबारा आ यू है मतलब टैन रूट एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन, जो टैन रूट एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन करा ये टैन यू बन जाएगा, टैन बन गया ना एक्स नहीं है रूट एक्स है हूँ यू वाला बन जाएगा अपना टैन यू बन जाएगा, देखो यार करना किदा,
सीकेंट टेन रूट एक्स, टेन ऑफ टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन करांगे, टेन यू की डिफरेंशिएशन का फार्मूला की होंदा देखो जरा, टेन यू की डिफरेंशिएशन का फार्मूला होंदा सीकेंट स्क्वेयर यू, तो यू की दोबारा डिफरेंशिएशन, यू की डिफरेंशिएशन दोबारा सीकेंट स्क्वेयर यू, यू की डिफरेंशिएशन दोबारा आ फार्मूला होंदा जो यदि डिफरेंशिएशन करांगे। हुण आपां डिफरेंशिएशन करन लगे हैं सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स, तो रूट एक्स की दोबारा यू की दोबारा डिफरेंशिएशन करनी है ना, आखो यू की डिफरेंशिएशन दोबारा हुई है, रूट एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन लिखना किदा सम देखो जरा, इत्थे लिख लांगे सीकेंट टैन रूट एक्स, टैन ऑफ टैन रूट एक्स, सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स, रूट एक्स ही डिफरेंशिएशन करांगे, हाफ अगे आ जाएगा, रूट एक्स का मतलब हाफ होंदा ना, हाफ अगे आ जाएगा, उपर एक्स की एक पावर घट जाएगी, हाफ माइनस वन हो जाएगी माइनस हाफ, हाफ माइनस वन हो जाएगी माइनस हाफ, सीकेंट ऑफ टैन रूट एक्स, टैन ऑफ टैन रूट एक्स, सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स। हूँ पावर जो नैगेटिव है डिनोमीनेटर च आगे पॉजिटिव हो जाएगी, पावर नैगेटिव है डिनोमीनेटर च आगे पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स की पावर हाफ मतलब डिनोमीनेटर च बन जाएगा रूट एक्स, डिनोमीनेटर च बन जाएगा रूट एक्स, बाकी सारी टर्म ऐदा ही लिख देनी है, बाकी सारी टर्म ऐदा ही लिख देनी है। ये तुहाडे क्वेश्चन हैगे 5.2 एक्सरसाइज दे। हुण तुहाडा होमवर्क की हैगा देखो जरा, एक्सरसाइज 5.2 दे जिन्ने सम कराए मैं रिपीट करने हैं, प्लस एक क्वेश्चन 6 मैं कराया नहीं वो करके वेख लियो, जे होएगा ठीक है नहीं तो मैं करा लांगा, वैसे हो सकता कई बच्चे को ना हो। 9th 10th क्वेश्चन आप लेटर ऑन करना, वो हले नहीं करना क्वेश्चन 9th क्वेश्चन 10th, ये हले नहीं करने, ये लेटर ऑन करने हैं। एक्सरसाइज 5.1 दे रिलेटेड हैगा ना, वो कंटीन्यूटी है, वो बाद करना, वो चैप्टर ही लग हैगा कंटीन्यूटी, ये सारा आप बाद करना है, ये नहीं हले करना। तुहाडा होमवर्क हैगा प्राइम दे नाल तुसीं 6F एक्सरसाइज खोलनी है, क्वेश्चन 1 तो लैके 6 तक करने हैं, क्वेश्चन 1 तो लैके 6 तक तो क्वेश्चन 11 प्राइम की 6F एक्सरसाइज खोलो, आ तुहाडा होमवर्क हैगा जी। थैंक यू स्टूडेंट्स।